आज का वीडियो किस टॉपिक पे आपको थंबनेल देख के पता चल गया होगा, एक्चुअली ये वीडियो मैं नहीं बनाने वाला था, फिर ख्याल आया कि शायद मेरे इस वीडियो से उन लोगों को हेल्प हो जाएगी जो यूट्यूब पे कुछ करना चाहते हैं। तो आज मैं मेरी यूट्यूब जर्नी की सारी बातें आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, मैंने यूट्यूब क्यों शुरू किया, कैसे शुरू किया, मोनेटाइजेशन क्या होता है, सब्सक्राइबर्स कब बढ़ते हैं, पहली पेमेंट कब आती है, यूट्यूब रिलेटेड सारी बातें आप लोगों के साथ मैं आज शेयर करने वाला हूँ। सो स्टे ट्यून्ड। सो गाइस, आप अगर इस चैनल पे नए हो तो मैं बताना चाहूंगा, मेरा नाम धर्मेंद्र पुरोहित है और मेरा पैशन है, हॉबी है, कुछ भी कह लो आप, मुझे यूट्यूब पे वीडियोस बनाना बहुत अच्छा लगता है। एक्चुअली मेरा बिजनेस है जिसमें मैं फुल टाइम बिजी रहता हूँ, फुल टाइम मतलब 365 डेज बिजी रहता हूँ, मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है, लेकिन बीच बीच में परचेज के लिए मैं बहुत सारी जगह पे ट्रैवल करता रहता हूँ। और उसी एक ट्रैवल ट्रिप में मेरी नजर पड़ी कुछ यूट्यूब वीडियोस के ऊपर जो मुझे बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लगे। तब मुझे यूट्यूब के बारे में जीरो नॉलेज थी, तो 4 साल पहले मैंने ऐसे ही एक वीडियो अपलोड कर दी थी यूट्यूब पे, ये देखने के लिए कि यूट्यूब कैसे वर्क करता है और यूट्यूब पे व्यूज वगैरह कैसे आता है। और फिर उसके बाद 2-4 वीडियोस और मैंने अपलोड किया और फिर काम में इतना बिजी हो गया कि मैं भूल गया था कि मेरा एक यूट्यूब चैनल भी है। फिर 2 साल बाद मैं कहीं और ट्रैवल कर रहा था और फिर से मेरा यूट्यूब की तरफ ध्यान गया, फिर यूट्यूब पे मैंने कुछ ट्रैवल वीडियोस देखे और फिर मुझे लगा कि ये लोग अगर कुछ कर सकते हैं यूट्यूब पे तो मैं क्यों ना करूं। मुझे बचपन से एक ऐसी हैबिट है, जो चीज मुझे इंटरेस्टिंग लगती है उस चीज को मैं जरूर ट्राई करता हूं, और फिर चाहे वो कितनी भी इम्पॉसिबल क्यों ना हो, मैं मेरा 100% देने की कोशिश करता रहता हूं जब तक वो गोल या ड्रीम हासिल ना हो। तो उस टाइम पे जो भी मैं वीडियोस देखता था, उन सब व्लॉगर्स का हो या कंटेंट क्रिएटर्स के पास अच्छे अच्छे क्वालिटी के DSLR कैमरा और ड्रोन्स हुआ करते थे जो मेरे पास नहीं थे, लेकिन मैंने डिसाइड किया था कि चाहे ये सभी चीज मेरे पास क्यों ना हो, मैं यूट्यूब पे कुछ वीडियोस बनाऊंगा। और मैंने यूट्यूब पे वीडियोस बनाना शुरू कर दिया मेरे सेल फोन के साथ। और एक बार मैं ऐसे ही मुंबई ट्रैवल कर रहा था शिप के थ्रू, तो मुझे ख्याल आया कि क्यों ना इसका भी मैं एक व्लॉग बना दूं, तो मैंने मेरा मोबाइल निकाला और व्लॉग करना शुरू कर दिया। उस टाइम पे मुझे कैमरा के सामने फेस करके बात करना नहीं आता था, सो मैं बस ऐसे ही मोबाइल हाथ में रख के वीडियोस बनाते गया और यूट्यूब पे अपलोड करते गया। लेकिन मुझे पूरा यकीन था कि एक दिन जरूर मैं ऐसे कैमरा के सामने फेस करके वीडियोस जरूर बनाऊंगा, और मैं कहीं रुका नहीं, बस आगे चलता गया। मुझे उस टाइम पे वीडियो एडिटिंग बोलो या फिर यूट्यूब रिलेटेड कुछ भी नॉलेज नहीं था, बस जहां कहां भी मुझे कुछ नॉलेज मिलता था मैं पढ़ते जाता था, और एडिटिंग के बारे में बहुत सारे स्किल्स जो है बस ऐसे ही ट्यूटोरियल्स वगैरह देखते देखते एडिटिंग सीखना मैंने शुरू कर दिया। वीडियोस जो मेरे सिंपल से होते हैं, लेकिन जो प्रेजेंट वीडियोस आप देखेंगे तो पिछले वीडियोस थोड़े बेटर होते जा रहे हैं, लेकिन उतने भी बेटर नहीं जितना मैं चाह रहा हूं, बट मुझे यकीन है कि मैं धीरे धीरे वीडियो क्वालिटी और कंटेंट बहुत ही इंप्रूव करूंगा। मेरी भी जर्नी उन सब यूट्यूबर्स की तरह 0 सब्सक्राइबर से शुरू हुई थी, और स्टार्ट में वीडियोस पे बहुत ही कम व्यूज आ जाते थे, मतलब 15 व्यूज आना भी बहुत मुश्किल होता था। फ्रैंकली बोलूं तो मैं कहीं रुका नहीं, बस आगे बढ़ता गया। मैं बहुत ही कम आते थे, लेकिन मैं कभी डीमोटिवेट नहीं हुआ। और फिर मुझे पता चला अगर व्यूज चाहिए तो सब्सक्राइबर बढ़ाना भी बहुत जरूरी है। और आगे जाते जाते अगर अपने वीडियोस पे अगर आपको एड्स प्ले करनी है, मतलब अगर वीडियो को मोनेटाइज करना है, तो आपके लिए मिनिमम 1000 सब्सक्राइबर और 4000 वॉच आवर्स कंप्लीट करना भी बहुत ही जरूरी होता है। फिर मैं एक दिन खोपोली गया, मुंबई गया, वहां के कुछ ट्रैवल वीडियोस बनाए, और फिर बेलगाम आने के बाद यहां पे फ्रेंड्स के साथ कुछ रिसॉर्ट्स के वीडियो, कुछ फूड जॉइंट्स के वीडियो, ट्रैवल्स वीडियो, छोटा छोटा वीडियोस फ्रेंड्स के साथ जहां भी मैं जाता था छोटे छोटे वीडियोस बनाते गया। और धीरे धीरे मैंने नोटिस किया कि मेरे चैनल पे व्यूज और सब्सक्राइबर बढ़ते गए, और फिर अंदर से एक मोटिवेशन सा फील होने लगा कि मैं इस पे कुछ अच्छा कर सकता हूँ। और कुछ वीडियोस के बाद कोलैबोरेशन के जो मेल्स आने लगे, तो उससे मुझे लगने लगा था कि मेरे वीडियोस में कुछ बात है जिससे लोगों को पसंद आ रहा है, और एक अलग टाइप की खुशी होती थी कि हाँ, मैं कुछ अच्छा कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ जो लोगों को पसंद आ रहा है। 30 वीडियोस अपलोड करने के बाद वो मोमेंट आया जिसका हर यूट्यूबर को बहुत ही बेसब्री से इंतजार होता है। मुझे यूट्यूब से मेल आया कि मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए, और मैं आपको बता दूं उस टाइम पे मतलब मैं एकदम cloud 9 पे था, क्योंकि हर यूट्यूबर का सपना होता है कि उसके सब्सक्राइबर बढ़े। आप यूट्यूब पे फिर चाहे आगे जाके लाइफ में 1 लाख सब्सक्राइबर क्यों ना बना लो, लेकिन ये जो 1000 सब्सक्राइबर की जो खुशी होती है वो इन सबसे बढ़कर होती है, और मेरी इस बात को हर नया यूट्यूबर अग्री करेगा। उसके बाद 4000 हावर्स वॉच टाइम का जो मेरा माइलस्टोन था वो भी कंप्लीट हो गया, और फिर मैंने एडसेंस अकाउंट भी मैंने बना लिया, जो बहुत ही जरूरी होता है मोनेटाइजेशन के बाद। जिनको नहीं पता मैं आपको बता दूं, मोनेटाइजेशन का मतलब ये होता है कि 1000 सब्सक्राइबर और 4000 वॉच आवर के बाद आपके जो वीडियोस है उसके ऊपर एड्स प्ले होना शुरू हो जाता है, और एडसेंस अकाउंट क्रिएट करने के बाद एडसेंस अकाउंट जो है यूट्यूब के साथ लिंक करना जरूरी होता है, और आपके यूट्यूब वीडियोस के थ्रू जो कुछ भी रेवेन्यू जनरेट होती है
वो आपके एडसेंस अकाउंट में शो करना शुरू होता है। तो इस बीच में आपको वेरिफिकेशन के लिए यूट्यूब से एक पिन भी आ जाता है जो आपके एडसेंस अकाउंट में आपको फिलअप करना पड़ता है, और कुछ दिन बाद आपको यूट्यूब से एक कंफर्मेशन मेल भी आ जाता है। तो फाइनली कुछ 80 वीडियोस के बाद मेरा पहला यूट्यूब पेमेंट है आ गया। मैं आपको बता दूं एडसेंस अकाउंट में जब तक $100 का जो थ्रेशोल्ड कंप्लीट नहीं होता है, एडसेंस अकाउंट में आपकी जो भी पेमेंट है होल्ड की जाती है, और जैसे ही वो थ्रेशोल्ड कंप्लीट होता है आपका जो ये अमाउंट है आपके अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। तो मेरा ये $100 का थ्रेशोल्ड कंप्लीट होते ही मुझे मैसेज आ गया था कि आपके सो एंड सो अकाउंट में सो एंड सो अमाउंट, जो कुछ भी आपका जो यूट्यूब से जो भी जनरेट हुआ है वो आपके अकाउंट में डिपॉजिट हो गया है। एक्चुअली यूट्यूब का जो पेमेंट है उसको रिवील करना गाइडलाइंस के खिलाफ है, लेकिन मैं आपको हिंट जरूर दे देता हूँ कि मेरी पहली जो पेमेंट है 15K से 20K के बीच में थी, इससे मैं कोई अच्छा मोबाइल ले सकता हूँ अपने ब्लॉगिंग के लिए। सो गाइस, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ इस वीडियो के थ्रू कि जब मैं यूट्यूब पे आया था मुझे कुछ भी नॉलेज नहीं था। मैं चाहता हूँ कि अगर आप कुछ फ्यूचर बनाना चाहते हैं तो यूट्यूब पे कुछ अच्छे वीडियोज बनाए, अच्छा कंटेंट बनाए, क्योंकि जब मैं वीडियोज बनाना शुरू कर दिया था मुझे जीरो नॉलेज था। मैंने बहुत ही जो कुछ भी मुझे पसंद आया वो ब्लॉग्स बनाते गया, ट्रैवल वीडियोज बनाते गया, बस ट्राई करते गए। आप भी कोशिश कीजिए, कभी भी हार मत मानिए, क्योंकि आप जब देखोगे व्यूज कम आ रहे हैं, सब्सक्राइबर कम है तो डीमोटिवेट होता है हर कोई, बट वहां रुकना नहीं है। मैं कभी रुका नहीं, और आज जो कुछ भी मैं ये नहीं कहता हूं कि मैंने कुछ हासिल कर लिया, और मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मैं इस पे कितना कमाऊंगा। बस मुझे इंटरेस्ट आता था, मुझे एक पैशन था, हॉबी था कि मैं कुछ वीडियोस क्रिएट कर सकता हूं। मुझे यकीन था कि मैं भी और कुछ वीडियोस बना सकता हूं यूट्यूब के ऊपर। सो बस मैं इतना ही चाहता हूं कि आप लोग भी अगर कुछ बनाना चाहते हैं यूट्यूब पे, अगर कुछ करियर बनाना चाहते हैं तो अच्छे वीडियोस बनाएं, आपको जो इंटरेस्टिंग टॉपिक है वो टॉपिक पे वीडियोस बनाएं। एक ना एक दिन आप आपके गोल्स और ड्रीम्स को जरूर पूरा करेंगे। अगर आपको यूट्यूब रिलेटेड कुछ भी डाउट्स हो तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं, और मैं हो सके जितना सबको रिप्लाई दे दूंगा। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं बहुत जल्दी, टिल देन टेक केयर।